Poem number 6 is The Little Girl Found. The poem expresses grief and pain which life brings to human beings. इस poem में हमें दिखाया गया है कि जो life है, life human beings को कितने तरह के pain देती है, कितने तरह के दुख देती है, तो वो सब इस poem में बताया गया है. Laika, इस poem का जो title है, The Little Girl Found, ये जो title में जो girl की बात करी गई है, उस girl का name है Laika. Laika के parents जो है, उसे ढूंढ रहे हैं, and she has lost her way home. उसके parents उसको ढूंढ रहे हैं, and is wandering in the desert. They are wandering in the desert. Desert में वो उसको ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं. यहाँ पे wandering लिखा हुआ है, यहाँ पे A आएगा, so it will be wandering. Let me correct it. Wandering in the desert. तो जो they are tired and woebegone. Tired means थके हुए हैं, woebegone means कि उनकी जो शक्ल है उससे पता चल रहा है कि वो कितने परेशान हैं. उनकी अपीरियंस बिल्कुल ऐसी लग रही है कि वो इतने ज़्यादा परेशान है. इम्प्लाइंग द डेप्थ्स ऑफ देयर पेन, कि उनकी जो अपीरियंस है उससे हमें पता चल रहा है कि उनके पेन की डेप्थ, यानी कि उनका कितना पेन है. एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days वो उसको ढूंढ रहे हैं, छोटी बच्ची के लिए. सोचो 7 days तक अगर किसी का बच्चा गुम हो जाए और ना मिले, तो उस पर्सन की क्या कंडीशन होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिटिल गर्ल फाउंड. पोएम नंबर 7 इज द चिमनी स्वीपर. ब्लैक कलर की एक शेप नजर आ रही है स्नो में, जो ऐसा लग रहा था कि क्राइंग आउट इन सैडनेस एंड पेन. तो वो क्या थी? दैट वॉज अ स्मॉल चाइल्ड. जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, वो रो रहा था. जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो चाइल्ड रिप्लाइड दैट दे हैव गोन टू प्रे इन चर्च, कि वो चर्च में प्रे करने के लिए गए हैं. द चाइल्ड कॉन्टिन्यूज, उसने बताया कि बिकॉज आई यूज टू प्ले हैप्पीली इन द ग्रीन फील्ड एंड फ्रॉलिक इन द स्नो, कि उनको ऐसे लग रहा था कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से खेल रहा हूँ, बहुत खुशी से खेल रहा हूँ, घूम रहा हूँ. तो दे पनिश्ड मी एंड टुक अवे माई हैप्पीनेस. टुक अवे माई हैप्पीनेस से उसका मतलब था कि वो मुझे अकेला छोड़कर चर्च चले गए हैं. दे मेड मी सिंग दिस सॉन्ग ऑफ सैडनेस बिकॉज ऑफ माई जॉयफुल डांसिंग एंड सिंगिंग. क्योंकि मैं जॉयफुल डांसिंग कर रहा था, सिंगिंग कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है. दे आर टू बिजी एट द चर्च. वो चर्च में इतने बिजी हैं, गॉड की प्रेज कर रहे हैं, प्रीस्ट्स को खुश कर रहे हैं, किंग को खुश कर रहे हैं, अथॉरिटीज को खुश कर रहे हैं, जिन्होंने इस फेक हेवन को बनाया आउट ऑफ द पेन एंड सफरिंग ऑफ बॉयज लाइक मी. बच्चा किस लिए रो रहा था? कि उसके पेरेंट्स ने ये देखा कि बच्चा बहुत खुशी से खेल रहा है, बट उसको छोड़कर चले गए, है ना. तो लेकिन उस बच्चे को क्या फील हो रहा है कि जैसे उसने कहा टुक अवे माई हैप्पीनेस, टुक अवे माई हैप्पीनेस से उसका मतलब था कि मेरे पेरेंट्स मुझे अकेला छोड़कर चलेगी. उसके लिए हैप्पीनेस क्या होती अगर उसके पेरेंट्स उसको उनके साथ लेकर जाते. पोएम नंबर 8 इज नर्स सॉन्ग. इस पोएम में एक जॉयफुल सीन डिपिक्ट किया गया है, जिसमें एक नर्स जो है बच्चों को खेलता हुआ देख रही है. नर्स की जेंटलनेस और वार्म्थ से हमें यह पता चलता है कि ये जो पोएम है ये डिपिक्ट कर रही है ऐसे वर्ड को जिसमें चाइल्डहुड की फ्रीडम को, चाइल्डहुड की इनोसेंस को, क्यूरियोसिटी को चेरिश किया जाता है और प्रायोरिटाइज किया जाता है. पोएम नंबर 9 इज द सिक रोज. इसमें बताया गया है कि जो रोज है, फ्लावर है जो, वो सिक है, यानी कि वो बीमार है. तो जो अगर रोज बीमार है, रोज को अपनी कंडीशन का थोड़ा ना पता होगा, इट इज अनअवेयर ऑफ इट्स सिकनेस. तो उसकी जो एक्चुअल रोज है वो, उसे नहीं पता कि वो बीमार है, उसको अपनी कंडीशन के बारे में नहीं पता. बट उसका जो एम्फेसिस है, इट फॉल्स ऑन द एलिगोरिकल सजेशन दैट इज लव. तो लव के ऊपर उसका जो है एम्फेसिस दिख रहा है हमें कि अगर रोज बीमार है तो लव भी बीमार होगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम द सिक रोज. पोएम नंबर 10 इज द फ्लाई. पोएट जो है अपनी लाइफ को और अपनी डेथ को फ्लाई के साथ कंपेयर कर रहा है, कि जिसको हम अनइंटेंशनली इंटेंशनली मार देते हैं. सो वो मैन को, एक ह्यूमन बीइंग को एडवाइस कर रहा है कि हमें अपनी लाइफ का हर दिन एंजॉय करना चाहिए फ्लाई की तरह. वो कभी इधर घूमती है, कभी उधर घूमती है, बेफिक्र घूमती है. हमें भी फ्लाई की तरह ही अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि गॉड ने हमारी लाइफ को कब ले जाना है. मींस गॉड हमें
कब अपने पास बुला ले, कोई पता नहीं है हमें हमारी डेथ कब हो जाए, बिकॉज वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर अवर लाइफ और डेथ. हमारा हमारी लाइफ के ऊपर हमारी डेथ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इट्स ऑल इन द हैंड्स ऑफ गॉड. सो उसका उस चीज के बारे में सोचते हुए पॉइंट ये बोल रहा है कि हमें अपने फ्यूचर के बारे में या अपने प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं फियर करना चाहिए किसी भी चीज से. तो हमें अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करना चाहिए. हैंस वी शुड एक्सेप्ट अवर लाइफ, सबमिट टू अवर फेट एंड लिव एज मच एज वी कैन. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम द फ्लाई.